नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे राइट इश्यू क्या है और राइट इश्यू से रिलेटेड जितने भी तरह के सवाल है सभी तरह के सवालों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और रिलायंस का जो राइट इश्यू आया है वो किस रेशियो में आपको मिलेगा, उसका बाइंग प्राइस क्या होगा, इन सारे बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज है जिसे देख करके आप स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं। तो इसलिए चैनल पर जाइए और सारे वीडियोस को देखिए और स्टॉक मार्केट सीखिए। और इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक शेयर हमें एक नई मोटिवेशन देता है आपके लिए अगले वीडियो को बनाने के लिए। तो इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज राइट इश्यू, राइट इश्यू क्या है। तो राइट इश्यू जो होता है हमारा, जो शेयर होल्डर है कंपनी का, मतलब जो भी कंपनी का शेयर होल्डर है उसे ही राइट इश्यू के तहत शेयर मिलेगा, वो भी डिस्काउंट प्राइस पर। डिस्काउंट प्राइस पर आपको शेयर दिया जाएगा। जैसे 100 रुपीज करेंट प्राइस है अगर स्टॉक का, तो आपको उससे करेंट प्राइस से मतलब 10 रुपीज 20 रुपीज लेस प्राइस पर दिया जाएगा। मतलब अगर कंपनी का शेयर अभी 100 रुपीज है तो आपको शेयर 100 रुपीज से लेस रुपीज पर दिया जाएगा। ये कौन तय करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तय करेगा कितना पे आपको शेयर देना है। तो जैसे 80 रुपीज पर दिया तो मतलब 20 रुपीज का बेनिफिट दिया जा रहा है जो एग्जिटिंग शेयर होल्डर है, मतलब जो पहले से शेयर होल्डर है कंपनी का। किस डेट पर? तो जो रिकॉर्ड डेट होगा, मतलब रिकॉर्ड डेट आपको बताया जाएगा कि इस डेट तक जिनके पास भी कंपनी का शेयर होल्डिंग है, मतलब शेयर है, वो राइट इश्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप राइट इश्यू के लिए तभी अप्लाई करेंगे जब कंपनी का शेयर आपके पास ऑलरेडी होगा। और जैसे आप इश्यू किया कि 10 शेयर पर एक शेयर राइट इश्यू के तहत मिलेगा, तो आपके पास अगर 20 शेयर है तो 2 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 100 शेयर है तो 10 शेयर के लिए जो रेशियो होगा वो 1:10 है। तो एक शेयर आपको मिलेगा राइट इश्यू के तहत डिस्काउंट प्राइस पर 10 शेयर पे। तो इस तरह से अगर आप 500 शेयर रखते हैं तो आपके पास है कंपनी का, तो 50 शेयर आपको मिलेगा राइट इश्यू के तहत, मतलब आप खरीद सकते हैं राइट इश्यू के तहत। तो ये है राइट इश्यू। राइट इश्यू क्या हो गया? तो ए राइट इश्यू इज एन इन्विटेशन टू एग्जिटिंग शेयर होल्डर्स टू परचेज एडिशनल न्यू शेयर इन द कंपनी। तो नया शेयर आपको कंपनी में जो इनवाइट किया जा रहा है कंपनी के द्वारा कि नया शेयर आप खरीदें कंपनी में, दी शेयर होल्डर कैन परचेज न्यू शेयर एट ए डिस्काउंट टू द मार्केट प्राइस फॉर सर्टेन पीरियड। मतलब एक पीरियड निर्धारित किया जाएगा कि इतना दिन में आप अप्लाई कर सकते हैं जो डिस्काउंट प्राइस पर और नए शेयर खरीदने के लिए। आगे कह रहा है, राइट इश्यू आर ऑफ्टन ट्रांसफरेबल, मतलब ये जो ट्रांसफ़र किया जा सकता है राइट इश्यू, जो राइट इश्यू है के तहत आपको शेयर खरीदने का जो इनविटेशन दिया गया है इसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब किसी दूसरे को दे सकते हैं अगर आप खरीदना नहीं चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 200 शेयर है और जो राइट इश्यू है उसके तहत आप 1:10 के तहत 20 शेयर खरीद सकते हैं। अब 20 शेयर जो है आप चाहते हैं कि आप नहीं खरीद सकते, अभी आपका इच्छा नहीं है, चाहे आपके पास मनी नहीं है, तो आप किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं ये राइट इश्यू। अगर आप दूसरे को देते हैं, जैसे प्राइस निर्धारित किया गया है 80 रुपीज, जबकि शेयर मार्केट में, मतलब अभी जो मार्केट में प्राइस है करेंट मार्केट प्राइस शेयर का वो है 100 रुपीज, और 80 रुपीज पर राइट इश्यू मिल रहा है तो 20 रुपीज का बेनिफिट है। आप यहां पर क्या करते हैं, दूसरे को ट्रांसफ़र कर देते हैं अपना राइट इश्यू और 5 रुपये का कमीशन आप ले लेते हैं, मतलब 85 रुपीज पर आप दूसरे को अपना राइट इश्यू जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पर 5 रुपये का आप बेनिफिट ले रहे हैं और 85 रुपये पर वो शेयर ले लेगा, तो जिसको आप राइट इश्यू के तहत लेने के लिए बोलेंगे, मतलब जिसको आप अधिकार देंगे, तो उनको फ़ायदा होगा 15 रुपीज़ का, 5 रुपये आप कमीशन ले लिए, आपको 5 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। तो यही होता है हमारा राइट इश्यू में कि ये ट्रांसफ़र किया जा सकता है, अलाउविंग द होल्डर टू सेल देम इन ओपन मार्केट, आप अपने ओपन मार्केट में भी इसे सेल कर सकते हैं। तो अगला है हमारा पॉइंट इसमें, विथ ए राइट इश्यू बिकॉज मोर शेयर्स आर इश्यूड इन द मार्केट। अब जैसे राइट इश्यू आया तो बहुत सारा क्या होगा, शेयर मार्केट में इश्यू होगा, मतलब अब जो रेशियो है हमारा जैसे 1:10, तो जैसे कंपनी के पास 10 करोड़ शेयर है तो 1 करोड़ शेयर और अधिक हो जाएगा। देखिए राइट इश्यू के तहत 1:10 का रेशियो है, कितना का? 1:10 का, तो 1:10 का है। तो अगर कंपनी के पास 10 करोड़ शेयर है, 10 करोड़ शेयर है, तो 1 करोड़ शेयर राइट इश्यू के तहत और आ जाएगा मार्केट में,
तो मार्केट में तो अब कुल शेयर हो गया कितना 11 करोड़ हो गया। तो जब शेयर बढ़ गया मार्केट में और जो बायर है अगर उतना ही है मार्केट में, मतलब जो कंपनी में इंटरेस्टेड बायर है वो पहले के ही जैसा रहा, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुआ। जो इकोनॉमिक्स है उसका जनरल थ्योरी है कि बायर सेम ही रहे, मतलब बायर में कोई वृद्धि नहीं हुआ, लेकिन जो आपका सामान है वो वृद्धि हो गया, मतलब गुड्स आपके पास है वो ही अधिक हो गया सेल करने के लिए। तो सेलर अधिक हो बायर कम हो तो प्राइस क्या होगा, नीचे जाएगा। तो वही स्टॉक प्राइस इज डाइल्यूटेड एंड विल गो डाउन। तो स्टॉक प्राइस जो है डाइल्यूटेड होगा क्योंकि ज़्यादा शेयर मार्केट में आ चुका है और ये हो सकता है कि प्राइस जो है नीचे चले जाए। तो ये हो सकता है राइट इश्यू के तहत, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर मार्केट में बढ़ जाएगा तो हो सकता है प्राइस जो है शेयर का वो क्या हो जाए, नीचे चला जाए। आगे हमारा व्हाई डू कंपनीज इश्यू राइट शेयर, कंपनी जो है राइट इश्यू क्यों लाती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि कोई भी कंपनी राइट इश्यू क्यों लाती है। द राइट इश्यू इज द वे फॉर कंपनी टू रेज कैपिटल ऑफ्टन टू पे ऑन डेप्ट। कंपनी के पास जो अपना कर्ज है उस कर्ज को चुकाने के लिए कंपनी राइट इश्यू लेकर के आती है, क्योंकि कंपनी जो है पहले ही भी मार्केट से रुपया ले चुकी है। जो एग्जिटिंग शेयर होल्डर है, जो इन्वेस्टर है, वो कंपनी का स्टॉक जो रखता है उसके तहत पहले वो रेज किया है कंपनी मार्केट से कैपिटल, फिर रेज करना चाहती है अपने डेप्ट को कम करने के लिए, इसलिए राइट इश्यू के लिए लेकर आती है कि वो अपने ही शेयर होल्डर को फिर से शेयर बेचती है डिस्काउंट प्राइस पे, और वहां से जो कैपिटल आता है उससे अपना क्या करती है, डेप्ट अपना कर्ज कम करती है, इसलिए राइट इश्यू लेकर आती है कंपनी। अगला है हाउ डू आई अबाउट राइट इश्यू शेयर, हम अपना राइट इश्यू शेयर कैसे खरीद सकते हैं। हाउ डू आई अबाउट राइट इश्यू शेयर, राइट इश्यू शेयर को कैसे खरीद सकते हैं। क्या द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फॉर राइट इश्यू इज थ्रू ASBA, मतलब एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। एप्लीकेशन सपोर्टेड होता है बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, मतलब आप जो आपके पास राइट इश्यू का एक एप्लीकेशन आएगा जो कि आपको पोस्ट कार्ड के थ्रू, मतलब जो हमारा पोस्ट ऑफिस उसके थ्रू आप भेज सकते हैं, मतलब उस फॉर्म को भरेंगे, आपको पास कितना शेयर है और आपको कितना शेयर चाहिए उसके तहत अप्लाई कर सकते हैं, या अपने बैंक के तहत कर सकते हैं। अगर आपका बैंक जैसे IPO अप्लाई कर सकते थे जिस बैंक में, मतलब जो सपोर्ट करता था उस बैंक के तहत आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरली जो हम नेट बैंकिंग रखते हैं तो नेट बैंकिंग के तहत ऑनलाइन अप्लाई करते हैं IPO के लिए, तो आप जो है इसके लिए राइट इश्यू के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो राइट इश्यू के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं या फॉर्म भर करके आप भेज भी सकते हैं, उसके तहत भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसका अमाउंट होगा वो हो सकता है कि आपको कई सारे इंस्टॉलमेंट में पे करना हो, मतलब राइट इश्यू के लिए जो अमाउंट होता है वो कई सारे इंस्टॉलमेंट में हो सकता है पे करना हो, जैसे पहले 20% अमाउंट पे करना है, फिर आपको आगे चल करके 30%, फिर जो रेस्ट बच गया उसका 20%, फिर आगे चल करके 10%, 20%, इस तरह करके इंस्टॉलमेंट में भी आपको पे करना पड़ सकता है। तो ये आपके कंपनी का स्टेटमेंट देख लेंगे कि किस तरह से आपको राइट इश्यू का अमाउंट पे करना है। अगला हमारा व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बोनस शेयर एंड राइट इश्यू, राइट इश्यू और बोनस शेयर के बीच क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस ये है कि राइट इश्यू के तहत शेयर जो होता है आपको डिस्काउंट प्राइस पे मिलता है, और बोनस शेयर जो मिलता है वो फ्री मिलता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई आपको रुपया नहीं देना पड़ता है, वो बोनस शेयर आपको बिल्कुल फ्री मिल जाता है। जबकि राइट इश्यू में आपको शेयर मिलता है वो कुछ डिस्काउंट प्राइस पे, जो मार्केट में प्राइस होता है स्टॉक मार्केट में शेयर का उससे कुछ डिस्काउंट प्राइस पे। और अगर आप बोनस शेयर के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपको आगे बताएंगे अगले वीडियो में कि बोनस शेयर क्या होता है और बोनस शेयर से क्या फ़ायदा होता है। इसके लिए आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं कि बोनस शेयर वो मैजिक है जो आपके रिटर्न को कई टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता है, मतलब बोनस शेयर आपके जो रिटर्न है उसको कई मल्टीपल्स में बढ़ा देता है। तो बोनस शेयर के मैजिक को देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और बोनस शेयर में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगला पॉइंट है हमारा व्हाट इज राइट इश्यू एग्जांपल, तो राइट इश्यू का एग्जांपल बताइए कुछ। तो अभी आप देख रहे हैं कि रिलायंस हमारा राइट इश्यू लेकर आई है, वो किस रेशियो में लाया है, 1:15 में, 1:15, 1:15 राइट इश्यू का मतलब हुआ कि एग्जिटिंग इन्वेस्टर, मतलब जो रिकॉर्ड डेट होगा उस दिन जिसके पास भी शेयर होगा वो एग्जिटिंग इन्वेस्टर होगा, वो एग्जिटिंग इन्वेस्टर कैन बाय एक्स्ट्रा शेयर फॉर एवरी 15 शेयर ऑलरेडी हेल्ड बाय हिम, मतलब उनके पास जितना भी शेयर रखा हुआ है
जितना भी शेयर रखा हुआ है वो 15 के रेशियो में होना चाहिए। मतलब आपके पास 30 शेयर है तो 2 शेयर बाय करेंगे, 15 शेयर आपके पास है तो 1 शेयर बाय करेंगे, अगर 150 शेयर आपके पास है तो आप 1:15 रेशियो के तहत 10 शेयर बाय कर पाएंगे। तो ये रिलायंस का रेशियो है, तो इसी को हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया है, क्योंकि अभी जो राइट इश्यू हर कोई जानना चाहता है, क्यों? क्योंकि रिलायंस राइट इश्यू लेकर के आई है। अगला है हमारा, इज राइट इश्यू गुड और बैड फॉर कंपनी? राइट इश्यू जो होता है गुड है या बैड है कंपनी के लिए? तो ये आप जो है उसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देख सकते हैं, उसके अनुसार आपको पता चलेगा कि राइट इश्यू कंपनी के लिए गुड है या बैड है। तो कंपनी के प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है, कंपनी का प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना जा रहा है। अगर कंपनी प्रॉफिट में कर रही है, प्रॉफिट कर रही है, लेकिन फिर भी कंपनी के पास अगर डेब्ट है, तो ऐसे में राइट इश्यू बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि तो इसलिए राइट इश्यू के तहत वो अपना डेब्ट खत्म कर लेगी और जैसे प्रॉफिट अर्न करती है तो उसको अपने एक्सपेंशन में यूज कर सकता है, जो प्रॉफिट होगा उसको एक्सपेंशन में यूज कर सकता है। तो इस तरह से गुड और बैड हो सकता है राइट इश्यू, कि कंपनी के पास डेब्ट है उसको कम कर दिया जाए और प्रॉफिट जो है उसको एक्सपेंशन में यूज किया जाए या शेयर होल्डर को फिर रिटर्न के रूप में, डिविडेंड के रूप में दिया जाए। तो उम्मीद करते हैं राइट इश्यू के तहत आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अब आप रिलायंस के राइट इश्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि करेंट मार्केट प्राइस जो है वो 1400 से अधिक है रिलायंस का, और जो राइट इश्यू का प्राइस है 1200 समथिंग है, मतलब लगभग 200 रुपये का गैपिंग है राइट इश्यू प्राइस में और जो करेंट मार्केट प्राइस है रिलायंस का। तो इस तरह से आप प्रॉफिट ले सकते हैं राइट इश्यू का। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।